और इसको असेंबल कर देंगे फाइनली। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। सो फाइनली देख सकते हैं ये है वर्सन 3, जो कि हमने पूरा तरह से इसको नेकेट कर दिया है। हमने इसलिए नेकेट किया है क्योंकि थोड़ा इसका एक्सीडेंट हो गया था और अभी इसको नया से पार्ट्स लगा के इसको असेंबल करेंगे और अभी इसको नया बना। देख सकते हैं अभी इसका लेफ्ट हैंडल बार रिप्लेस हो रहा है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंडल बार बेंड हो गया था। अभी देख सकते हैं ये है भाईजार का अंदर जो रहता है, जो हेडलाइट और पूरा हेडलाइट को बना के मजबूत बना के रखता है, ये पार्ट है। और अभी देख सकते हैं अभी भाईजार में हेडलाइट फिटिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो पे बना रहिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तो चलिए आप जानते हैं ये बाइक का एक्सीडेंट कैसे हुआ कि एक मेरा भाई बाहर से आए हुए थे, मैंने उसको गाड़ी दिया था, उनको थोड़ा उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था वर्सन 3 चलाने का। तो जब उसने 40-50 का स्पीड में गाड़ी चला रहे थे तो रास्ते में से एक चाइना फुटफुटी था जो एक लेफ्ट से राइट क्रॉस कर दिए और जस्ट उनके पीछे में थे और उस टाइम ये गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए तो सीधा चाइना फुटफुटी के साथ सीधा टकरा गए पीछे में। और इस घटना में किसी को किसी प्रकार के चोट तक नहीं आए हैं और गाड़ी में जितना भी नुकसान हुआ था सिर्फ आगे का ही नुकसान हुआ था, साइड में कोई खरोच तक नहीं आया था। फाइनली हेडलाइट और वाइजर को असेंबल करने के बाद अभी गाड़ी पे फिटिंग किया जा रहा है, अभी देख सकते हैं। और जो वाइजर में देख सकते हैं दी यामा पायलट, ये मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और जो नया है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मजेदार वीडियो देखने के लिए। जिसको आप लोग देख रहे हैं ये भी एक मेरा फ्रेंड सर्कल में आता है और ये यामा शोरूम में काम करते हैं। सो मेरा गाड़ी का रिपेयरिंग ये मेरा घर में आके कर दे रहे हैं, इसको नेपाली नाम से बुलाते हैं और इसका घर मकरमपुर बोलपुर में है। अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए रिलेटेड यामा बाइक्स, इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इससे संपर्क कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों मेरा गाड़ी का काम कंप्लीट होने वाला है और दोनों तरफ साइड वाइजर लगा दिए गए हैं। तो मेरा बाइक फाइनली रेडी हो चुका है और जैसे पहले नया आता था वैसे अब लग रहा है, देख सकते हैं। आगे का जो भाइजर है हमने उसको ब्लैक एडिशन में नहीं लगाया, हमने उसको मॉन्स्टर एडिशन में लगाया क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कॉमेंट करके बताइएगा और मजेदार वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।